एक बहुल आदिवासी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं और देखते हैं उन्हीं की संस्कृति और भाषा बोली से होंगे फ्रेंड्स। उनकी जो सबसे फेमस है लंदा, लंदा क्या चीज से बनती है और उस लंदे के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और लंदा आज हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान नहीं है, ये पूरा विश्व में पहचान बन चुकी है क्योंकि विदेशों की भी परंपरा रही है। आप जाइए अफ्रीका, इंग्लैंड, ये बहुत ही प्राचीन लंदा या पीएम मानी जाती है क्योंकि ये कोई द्रव्य पदार्थ नहीं है, क्योंकि दलहन तिलहन और चावल मक्का बाजरा वगैरह से बनाई जाती है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट एवं बलवर्धक मानी जाती है। तो फ्रेंड्स यह जो बहुल आदिवासी क्षेत्र में यह सबसे ज़्यादा प्रचलित आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स हम किस किस चीज़ से बनती है और कब कब उपयोग में लाई जाती है इस सबसे जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हम सीधे ले चलते हैं, सीधे ले चलते हैं उस जगह पे जहाँ यह लंदा बनता है। तो फ्रेंड्स साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स हम आपको दिखाएंगे हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में लंदा सलबी। तो हम सिर्फ अभी सलबी को नहीं दिखाएंगे, सिर्फ दिखाएंगे लंदा को, लंदा किस प्रकार बनती है और कैसे दिखती है। तो हम सीधा ले चलते हैं लंदा को दिखाने के लिए। ये जो दिखा रहा हूँ इसी घर में होंगे कोई, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स एक जबरदस्त और खूबसूरत जो बोलना चाहिए हमारे बहुत आदिवासी क्षेत्र में उनके कुछ जैसे प्रोग्राम होती है, शादी होती है, इनके जो पेंडुल मतलब त्यौहार वहार में ये एंजॉय के लिए यह लंदा का सेवन करते हैं। और लंदा क्या क्या चीज़ से बनती है तो उनके बारे में हम फिलहाल उसी घर में हैं। तो हम लंदा को दिखाने वाले हैं, देखिए ये छोटी सी कुटिया में। तो लंदा बहुत ही बेहतर मानी जाती है, देखिए इसी जगह में रहते हैं और हमारे जो बनाने वाली हैं और पूछेंगे कि लंदा किस टाइप से बनती है। तो बहुत ही खूबसूरत हमारी पल होगी, बहुत ही बेहतर पल होगी कि हम इस क्षेत्र में आके उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं और दिखाते हैं, ये है, ये रहा लंदा का। चावल से ही लंदा बनती है तो इस संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। देखिए इसकी आटा से लंदा बनती है, तो चलो चलते हैं प्रक्रिया को देखते हैं। तो आपका क्या नाम है? बिज्जू। तो बिज्जू जी थोड़ा सा आपके बारे में हमको ये पूछने वाले हैं कि आपके गांव में, तो शहर से बहुत इंटरल एरिया में, बहुत ग्रामीण क्षेत्र में, वनांचल क्षेत्र में रहती हो, तो आप जैसे लंदा कैसे क्या क्या चीज़ से बनाती हो? चक्की में कुटाना पड़ता है ना, कुटा के लाके बनाना पड़ता है। गंजी में पानी चढ़ाते हैं, उसके बाद आटा को डालते हैं, आटा को डालते हैं, आटा को डाल के तो गीला हो जाता है। हाँ, वैसे लड्डू जैसे बनता है तो इसको थोड़ा ठंडा करते हैं, गर्म होने से ना ठंडा करके उसको डालते हैं। अच्छा, तो दिखाओ थोड़ा सा, दिखाए आपका लंदा थोड़ा सा दिखाओ। ये रहा लंदा, इसमें बनाते हैं। तो ये जो लंदा है कैसे रहता है, मतलब मीठा लगता है कि खट्टा लगता है? कड़वा लगता है, मीठा लगता है। अच्छा, तो ये मतलब किस किस दिन इसको पीते हो, त्यौहार वार में? त्यौहार वार में त्यौहार में इसका होता है तो ये जैसे ये जो लंदा बनाए हो है ना, तो आपका इधर बस्तर में हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में इसको बहुत ही मतलब पीते हो, तो थोड़ा बहुत नशा वशा आता है कि नहीं? नशा होता है, नशा होता है, बिना नशा का थोड़े कुछ भी। अच्छा, तो इसमें क्या क्या चीज मिलाते हो? इसमें जंदरा का उगा के डालना पड़ता है। अच्छा, जंदरा का मतलब जगाते हैं ना? हाँ, छोटा से होता है। अच्छा, जंदरा को जैसे हम लोग ना भिगा देते हैं तो अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद इसमें डालते हो, जंदरा डालते हो, पीस
अच्छा उसको भी पिसाना पड़ता है। हाँ, पिसा के चावल हो गया, चावल भी कुटाना मतलब पिसाना पड़ता है, फिर जंदरा को कुटाना पड़ता है। और क्या लगता है इसमें? तो एक हंडी हो जाएगा। और भी इधर है, हम आपको और दिखाते हैं। एक हंडी इसमें बना हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा हंडी है इसलिए उठा नहीं पाएंगे, बोल के हम इसको दिखा नहीं पा रहे थे। देख सकते हैं ये, दे आप, ये है। अच्छा ये है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो पीने वाले लोग बहुत पीते हैं, अच्छा है बोल के। अच्छा है बोल के। अच्छा अच्छा फ्रेंड्स,